हाँ जी, हम अपनी तनख्वाह बढ़वाने आए, हम काम करते हैं, मेहनत। हम 8 बजे के जाते हैं, हम जाके बर्तन साफ करते हैं, पानी भरते हैं, पानी उबालते हैं, दूध बनाते हैं, हम बच्चे इनको बांटते हैं, हम गिलास साफ करते हैं, फिर हम राशन बांटते हैं, फिर प्लेट साफ करते हैं। हमें क्या मिलता है? हम कुछ नहीं मिलता। हमारे 4 बच्चे, पति है नहीं, 4 बच्चों का पालना कैसे होता 2500 में? मोदी को तो क्या पता, उसके तो खुद ही के बच्चे नहीं है, तो उसे क्या पता 2500 में कैसे परिवार चलेगा। वो तो ये सोचता है कि मैं बाबा जी हूँ, तो सारी जनता पर बाबा जी है। कभी हमें टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती, हमें कई कई महीने बाद मिलती है, कई कई महीने चढ़ जाते हैं, कई कई महीने जब 2 महीने की दे दी, 3 महीने की दे दी, 4 महीने की दे दी। तो सरकार ने ये वादा किया था, लिखित आश्वासन उसमें दिया था डिपार्टमेंट ऑफ HRD ने कि मिड डे मील वर्कर्स का तनख्वाह 2013 में 2014 में और 2 साल के अंदर में 2000 रुपये और बढ़ाएंगे, 3000 रुपया करेंगे। तो ना UPA सरकार ने उसको लागू नहीं किया, बार बार आश्वासन देने के बाद में भी, और मोदी सरकार तो जो चुनावी घोषणा पत्र में भी इसको मजबूत करने का वादा किया था और बार बार हर एक बजट में वादा बार बार करते थे और नहीं लागू किया। मोदी ने कही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम कहाँ से पढ़ाते हैं, कहाँ से हम शादी कर लेंगे, कहाँ से हम पाल लेंगे, हमारी मेहनत ही नहीं मिलती, क्या मिलता हमें। ये मिड डे मील योजना जब शुरू की गई, इसके पीछे लक्ष्य ये था कि जो गरीब बच्चे जो स्कूल के अंदर आते हैं, जो भूखे बच्चे आते हैं, सर्वे हैं पूरे देश के अंदर, कि उनको कम से कम एक समय दोपहर का अच्छा भोजन, को पोषित भोजन मिल जाए। दूसरा, सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या को बढ़ाया जाए। ये 2 उद्देश्यों से ये योजना शुरू की गई 1995 के अंदर। पहले पायलट प्रोजेक्ट था, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके 2001 से ये अपर प्राइमरी स्कूल तक, मिडिल क्लास तक ये पहुंच गया। और आज देश में लगभग 11 करोड़ बच्चे हैं जो 12 लाख स्कूलों के अंदर जिनको ये मिड डे मील का भोजन मिल रहा है, और इस काम में 25 लाख के आसपास जो वर्कर वो लगी हुई हैं, तो वो दोपहर का भोजन बनाते हैं। केवल ये भोजन नहीं बनता, बल्कि आज देश के स्कूलों की हालात ये है कि वहाँ ना कोई PN है, ना कोई चौकीदार है, ना कोई माली का काम करने वाला है, ना कोई वाटर कैरियर है। ये सारा काम भी एक प्रकार से मिड डे मील वर्कर ही कर रही हैं, मिड डे मील बनाने के अलावा। और ये मिड डे मील वर्कर कभी हड़ताल में जाते नहीं हैं, जो कोई भी चारा नहीं बचता है, जो बात भी करने को तैयार नहीं है, तभी तो हड़ताल पे जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों का खाना बंद हो जाता है। तो बिहार में पिछले 1 महीने से ज़्यादा हड़ताल में है रसोइया, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जहाँ कुपोषण है, भूखमरी है, वहाँ पे सरकार एक बार भी वार्ता तक में नहीं बुलाया है। तो ये तो एकदम जो ये भाजपा और उनके जो गठबंधन साथियों का जो रवैया जो मजदूरों के प्रति, और ये तो आम जनता का भी सवाल है, तो जनता बच्चों का खाने का भी सवाल है, उसके प्रति जो एटीट्यूड है, तो वहाँ पे भी आंदोलन जारी है और सारे सड़क में है और जनता भी आंदोलन को समर्थन दे रहे है। वो हड़ताल को बर्बाद करने के लिए, तोड़ने के लिए उनको एक सर्कुलर निकाला कि आप काम पे जाइए, नहीं तो आपका जो काम से हटा दिया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा। और उनको तोड़ने के लिए तमाम तरीके का हथकंडे अपना रही है, वो जोर जबरदस्ती भी अपना रहे हैं, धमकाने का भी प्रयास कर रहे हैं, नौकरी से निकालने की भी धमकी दे रहे हैं। इसके खिलाफ़ में पूरे देश के अंदर में ये अभी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मिड डे मील का जो है बजट है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, जहाँ पे उन्होंने जो खाने के लिए पैसा बढ़ाने का वादा भी किया था, जो स्कूल में दिया जाता है, और बहुत सारे स्कूलों में जो खाने का पैसा तो नहीं दिया जा रहा है, और जो लोग है, जो ग्रुप्स है और जो वर्कर्स है, अपने जेब से पहले खर्चा करने पे भी मजबूर हो रहे हैं। ना ईंधन का पैसा आता है, न कोई भी सुविधा भी नहीं है, गैस का पैसा भी नहीं आता है, ये स्थिति है। और ये बजट में वो दिखा रहे हैं कि ये सबका भलाई किया है, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि केंद्र की सरकार पहले जो बजट ये प्रोविजन था उसकी बजाय वो घटता रहा है। UPA के टाइम पर लगभग 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट था, जो लास्ट बजट UPA का था। अभी जो मोदी सरकार के टाइम पर वो 10,000 करोड़ से कम आ गया। दूसरा, इन्होंने क्या किया है कि सेंट्रल जो बजट है उससे जो एलोकेशन है वो 40% जो स्टेट के ऊपर डाल दिया, केवल 60% पैसा जो बजटीय प्रोविजन भी है, जो 1,000 रुपये भी जो केंद्र सरकार ने घोषित कर रखा है उसमें से केवल 600 रुपये केंद्र सरकार देती है, 400 फिर स्टेट पर जिम्मेदारी छोड़ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस योजना को नियमित किया जाए, मिड डे मील वर्कर को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए,
न्यूनतम वेतन दिया जाए, उनकी छटनी ना हो, इस योजना को ठेके पे ना दिया जाए और तुरंत जो है इसी बजट के अंदर जो है उनके मानदेय में जो है वो बढ़ोतरी जरूर की जाए और कम से कम वो जी गुजारे लायक हो, इस मांग को लेकर आज देश भर वर्कर सड़कों पे। और हम एक बार और कहना चाहते हैं, जब जहां पे ये बीजेपी और ये ऐसा सरकारों का ये रवैया है, कांग्रेस का भी सरकारों का यही रवैया है, जो केरल का जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने जो इतना बड़ा बाढ़ आया था, वो बाढ़ के बावजूद भी वो सरकार के पास पैसा नहीं है, इसके बावजूद भी इस बजट में वहाँ पे मिड डे मील वर्कर्स का मिनिमम वेज, वो तो ऑलरेडी मिनिमम वेज का घोषणा है, और इस बार भी पर डे 450 रुपये से 500 रुपये कर दिया है। पर डे का 500 रुपया अगर मिड डे मील वर्कर केरला में ले रहे हैं तो वो वहाँ का लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट अलग है और मज़दूरों के प्रति उनका एटीट्यूड यही है, और कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी वहाँ मिल रहे हैं, बाकी जगह में भी है, कुछ जगह में कुछ जो है, और यहाँ तक कि जो ये रसोईये खाना पकाते हुए बहुत सारे एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे जो बर्निंग केसेस है जल जाता है, और उनका कोई ये कोई भी चिकित्सा का भी कोई भी सुविधा नहीं है, तो वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का भी सवाल है, तो सरकार इसके सारे सामने आंख बंद कर रहे हैं, ये हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा। मोदी जी से यही है कि हमारी पेमेंट बढ़ाओ, जैसे आप कुर्सी बैठे हो तो ये थोड़ी नहीं, अब आप कुर्सी बैठा दिया तो हटा भी सकते हैं, हम हटा भी सकते हैं, और हमें एक सरकारी घोषित तो करो, कुछ तो सुनो हमारी मांगे, तो ये थोड़ी नहीं है कि आप हमें 14-15 साल हो गए इसमें लगे, किसी को भी पक्का नहीं है, सारे कच्चे हैं, सारे कर्मचारी कच्चे हैं, पक्के करो, कुछ मजदूरी बढ़ाओ, 18,000 से तो कम लेंगे नहीं हम, कम से कम अपनी मांगे तो अपने मुंह से जो शब्द निकाले उन्हें तो पूरा करो। जब जी हम तन जो कही कही ये करूँगा वो करूँगा, मैं खाते में पैसे भेजूंगा को उसको करूँगा, कुछ नहीं करा, हमारा दिया था लूट लिया।